brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम पूरे एक्शन में दिखे। यहां के एमओजी लाइन में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के मकान को नगर निगम की टीम हटाने पहुंची थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि इसकी सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम मौके पर पहुंच गए और फिर जेसीबी को वहां से हटवा दिया। विरोध करने नहीं आए थे, निवेदन करने आए थे। यहाँ पे लोग सालों से रह रहे हैं, इनको जो जमीन का पट्टा अलॉट हुए हैं होलकर के टाइम से अलॉट हुए हुए हैं, और ये सारे पूर्व सैनिक हैं। ऐसे भी नहीं है कि कोई और लोग हैं। आज इन लोगों को घर खाली करने का अगर आदेश मिला है तो इन्होंने न्यायालय की कॉपी मांगी कि कौन से आदेश के अनुसार आपने ये पत्र जारी करा है, तो उस आदेश की कोई कॉपी नहीं दी गई है। आदेश के ऊपर लिखी हुई है तारीख 5 अप्रैल, लेकिन इनको जो ये मिला है, ये मिला है 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे। मतलब आप किसी गरीब आदमी को कोर्ट जाने का भी समय नहीं दे रहे हो, और आज सुबह 8 बजे आके आप इन लोगों के घर तोड़ रहे हो। आज भी घर के अंदर इनका पूरा घर बसा हुआ है, इनके बच्चे अंदर है, इनकी पूरी गृहस्थी जमी हुई है। उसके बाद भी हमारी पूरी कोशिश करने के बाद भी, सब लोगों को बोलने के बाद भी आज यहाँ से नहीं मान रहे, और ये यहाँ पे कहते हैं ना, इसको रिमूवल नहीं हो रहा है, एक तरह से आक्रमण हो रहा है। 4 घर को तोड़ने के लिए कम से कम 6 से 7 जेसीबी यहाँ आई है। अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, और रहे हुए घर के अंदर लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल के जबरन हाथ पकड़ के निकाल के उनको घर तोड़ा जा रहा है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन पर हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इसके तहत नगर निगम की रिमूवल टीम पहुंची थी। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से इसके पहले नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में इन परिवारों को नहीं हटाया गया था। कोर्ट के आदेश पर इन सभी को विस्थापित किया जाना था। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट का आवंटन किया गया था, लेकिन ये परिवार वहाँ शिफ्ट नहीं हुए। फिलहाल इस मामले को लेकर अब इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव अक्षय बम के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जी से आप ये पूछिए कि उनको ये पता है वो शहर में सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट क्या है, स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, और उनको ये भी नहीं पता है कि बिना किसी को घर दिए हम वहाँ से उनको हटाने वाले भी नहीं हैं, तो वो क्या करने गए थे ये आप उनसे पूछिए। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि लोगों को घर में शिफ्ट नहीं किया था, इसलिए वो कार्रवाई हमने ही रुकवाई है। मैं तो कह रहा हूँ मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जब तक लोगों को हम घर में शिफ्ट नहीं करेंगे उनके घर नहीं तोड़ेंगे। अक्षय बम फिर किस लिए गए? तो वो तो उनसे पूछो ना कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या काम है, क्या वहाँ होने वाला है, क्या मांग लेके गए थे, वो उनसे पूछो आप। उनको बोलो बुलडोजर पे से चढ़ने से विकास नहीं होता है। शहर में यहाँ नहीं, कहीं भी जब भी कोई कार्रवाई होगी शहर हित में, तो यदि लोग वहाँ रह रहे हैं तो उनको नियम अनुसार हटाएंगे, रहने वाले लोगों को घर की छत देंगे, फिर हटाएंगे। साहब ये बुलडोजर पे चढ़ गए थे तो क्या उनको लेकर किसी तरह का जो एक्शन लिया जाएगा? मैंने कहा है नियमानुसार कार्रवाई करें उनके खिलाफ। फिलहाल हंगामा होने के बाद नगर निगम की टीम ने कार्रवाई निरस्त कर दी है और यहां रह रहे परिवारों को 8 दिन में हटने का अल्टीमेटम दे दिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।